जनरल विपिन रावत को आखिरी सैल्यूट। विवाह बेदी से चिता तक संग। जनरल रावत और पत्नी मधुलिका को उनकी दो बेटियों ने एक ही चिता पर मुखाग्नि दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पत्नी मधुलिका समेत हमसे विदा हो गए। दोनों विवाह की वेदी से चिता तक साथ रहे। 36 साल पहले दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लेकर साथ निभाने का वचन दिया था, इसे मुखाग्नि तक निभाया। दिल्ली के आर्मी कैंट में शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और सब वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़े, नारे लगाते रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अंतिम संस्कार के दौरान पूरी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे।
जनरल रावत और उनकी पत्नी की तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। बेटियों ने नम आँखों से माता पिता को विदा किया। जनरल रावत और मधुलिका को मुखाग्नि देने के बाद बेटियां कृतिका और तारिणी एक टक चिता को निहारती रहीं। आंखें नम थीं, फिर गले लगीं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक दूसरे को संभाला भी। मुखाग्नि के वक्त जनरल को 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इंडियन आर्मी ने लाल चंद फलक का शेर लिखते हुए लिखा, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। नेवी ने जनरल रावत के लिए लिखा, हमारे झंडे हवा की वजह से नहीं लहराते हैं, यह हमारे जवानों की आखिरी सांस से लहराते हैं, जो इसकी हिफाजत में अपनी जान भी दे दे। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।